आज का टॉपिक है मिलार्ड रिएक्शन। आप सभी ने कुकिंग तो कभी ना कभी की ही होगी। चलो कुकिंग ना सही, ब्रेड टोस्ट तो एटलीस्ट किया ही होगा। तो जो ब्रेड टोस्ट करते हैं तो उस पे एक ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो आपने सोचा है वो ब्राउनिश कलर आता कैसे है? यस एग्जैक्टली, तो ये ब्राउनिश कलर आता है मिलार्ड रिएक्शन की वजह से। तो आइए जानते हैं कि मिलार्ड रिएक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेलियार्ड रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? प्रोटीन से, जो हमारे फूड में प्रोटीन होता है वहाँ से। और रिड्यूसिंग शुगर, जो शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। तो वो दोनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड में एक ब्राउनिश कलर आता है, और उसकी वजह से हमें फ्लेवर और कलर दोनों ही प्रोवाइड होता है। तो इसके जो बेसिक एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में, कुकीज़, कुछ बिस्किट्स, ब्रेड्स और बहुत सारे ऐसे फूड जो हम नॉर्मली सब्जी बनाते हैं, जैसे कि हम आलू को फ्राई करते हैं तो ब्राउनिश कलर आ जाता है उस पे। तो ये सारे जो एग्जांपल है ये मेलियार्ड रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो मेलियार्ड रिएक्शन की शुरुआत हुई कहाँ से थी, किसने की थी? तो मेलियार्ड रिएक्शन लुइस कैमिले मेलियार्ड ने किया था 1912 में। मैंने यहाँ डेट मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, 1912 में उन्होंने ये दिया था। तो उन्होंने बेसिकली मेलियार्ड रिएक्शन का रोल जो है वो डायबिटीज और एजिंग पे कॉम्प्लिकेशन के फॉर्मेशन को स्टडी किया था। मीन्स उन्होंने ये देखा था कि जो ब्लड में हमारे जो ग्लूकोज होते हैं और जो बॉडी में प्रोटीन होते हैं, वो दोनों आपस में बाउंड करके क्या कॉम्प्लिकेशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फूड में हमारे प्रोटीन और ग्लूकोज एक साथ मिलकर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कॉज करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली डायबिटीज और एजिंग से रिलेटेड स्टडी की थी। तो बेसिकली मेलियार्ड रिएक्शन एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन है। नॉन एंजाइमेटिक मीन्स इसमें एंजाइम का रोल नहीं होता है बिल्कुल भी, और ये तब कॉज होता है जब ये हाई टेम्परेचर पे हम फूड को कुक करते हैं। हाई टेम्परेचर इन द सेंस जब 140 डिग्री सेल्सियस से अबव कुकिंग की जाती है, तब जाकर ब्राउनिंग रिएक्शन कॉज होता है। और इसका जो रोल है मेलियार्ड रिएक्शन का, वो फ्लेवर और कलर फॉर्मेशन में हेल्प करता है फूड में। तो बेसिकली ये जो मेलियार्ड रिएक्शन है इसके तीन स्टेजेस होते हैं, और वी कैन सी थ्री स्टेप्स। तो इसके थ्री स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में जो है वो ग्लाइकेशन रिएक्शन होता है, जिसमें स्किफ बेस एंड अमाडोरी एडक्ट और वी कैन से द कीटोज एमाइन, ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और फाइनल स्टेज में मेलानोइडिंस फॉर्म होते हैं, जो कि फाइनली ब्राउन पिगमेंट प्रोवाइड करता है और फ्लेवर प्रोवाइड करता है। तो इसको हम रिएक्शन के जरिए जानते हैं। इस रिएक्शन में हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उससे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसका अमाइन ग्रुप, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और दोनों रिएक्ट करके वो स्किफ बेस बनाते हैं। और स्किफ बेस के बाद जो रीअरेंजमेंट होती है उसको अमाडोरी एडक्ट बनाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्टेप वन का प्रोसेस है, जो कि बिल्कुल कलरलेस होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कलर प्रोड्यूस अभी नहीं होता है। देन अमाडोरी एडक्ट के बाद उसमें डिहाइड्रेशन और फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल एंड पाइरोवलाल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल को HMF बोलते हैं शॉर्ट में। तो स्टेप टू में ये दोनों फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद इस प्रोडक्ट में एडोल कंडेंसेशन होता है, इस कंडेंसेशन के बाद ही ये पिगमेंट जो है मेलानोइडिंस ये फॉर्म होता है, जो कि लास्टली में डिफरेंट एरोमा और ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो ये था बेसिक समरी, इसको डिटेल में जानते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन कॉज होने के लिए हमें रिड्यूसिंग शुगर ही चाहिए, मीन्स रिड्यूसिंग शुगर ही मेलियार्ड रिएक्शन कॉज करता है। और रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मीन्स जनरली जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो, और कुछ डाइसेकेराइड्स, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो वो रिड्यूसिंग शुगर और हमारा प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन कॉज करते हैं।
फिर जब हीट अप्लाई किया जाता है, हाई हीट अप्लाई किया जाता है, तो ये दोनों रिएक्शन कॉज करते हैं और आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन पे ऑक्सीजन बाउंड है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद ये जो अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन है ये यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, तो इसमें से टोटल हमारा H2O निकल जाएगा, और अमाइन और जो हमारा शुगर का एल्डिहाइड ग्रुप है ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये ग्लाइकोज अमाइल और इसकी बेस फॉर्म करते हैं। देन उसी के बाद इसमें फिर से रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मीन्स बॉन्ड का ही रीअरेंजमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, तो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन से कार्बन में शिफ्ट हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड, और ये जो बनाता है प्रोडक्ट इसको 1,2-इनामिनॉल बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड का और रीअरेंजमेंट होता है, तो ये डबल बॉन्ड अब जाके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर जाता है, तो जिसको फाइनली हम अमाडोरी कंपाउंड बोलते हैं, या फिर अमाडोरी एडक्ट बोलते हैं, या फिर हम किटोजामाइन कहते हैं। तो ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली स्टेप 1 में हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, तो अमाडोरी कंपाउंड बनता है, ये रिमेम्बर रखना बहुत जरूरी है। तो अमाडोरी कंपाउंड के बाद डिहाइड्रेशन और फ्रेगमेंटेशन यानी फिजन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल होता है, और साथ ही साथ जो हमारा अमाइन ग्रुप है उसका भी रिमूवल होता है इसमें। तो इसके बाद जो ये जो सेकंड स्टेप है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन फॉर्म करते हैं, अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसमें से एक पाइरुवल एल्डिहाइड फॉर्म होता है, और एक दूसरा HMF यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल कंपाउंड फॉर्म होता है, थर्ड वन इज रिडक्टेंस, और इसके साथ और भी फॉर्म हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको बस याद ये रखना है कि स्टेप 2 में HMF फॉर्म होता है और पाइरुवल एल्डिहाइड फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें ये जो सेकेंड स्टेप में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं इसको एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि सेकेंड स्टेप में हमारा बन क्या रहा है, इसमें रिएक्शन में ये अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ये। तो उसके बाद जब एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, साइक्लेशन, रीअरेंजमेंट, बहुत कुछ इसमें होता है रिएक्शंस, तो तब जाके फाइनली मिलेनॉइडिन्स फॉर्म होता है, जो कि एक ब्राउन पिगमेंट होता है, और वही ब्राउन पिगमेंट जो है वो डिफरेंट एरोमा प्रोवाइड करता है और ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, जो कि एक फाइनल स्टेप है ये हमारा मिलियार्ड रिएक्शन का। तो ये था मिलियार्ड रिएक्शन, होप आपको ये समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।